गाइज, अगर आप भी अपने ब्रेस्ट साइज को कम करना चाहते हैं, उसको प्रॉपर शेप में लाना चाहते हैं, तो प्लीज आज का मेरा वीडियो जरूर फॉलो करें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी आसान सी एक्सरसाइजेस जिनको फॉलो करके आप इजीली अपने ब्रेस्ट साइज को कम कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत हेवी रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएं जिससे कि हम अपना ब्रेस्ट साइज कम कर सकें। तो बस आपकी रिक्वेस्ट हाजिर है, उसके ऊपर वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सा वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना है आर्म्स रोटेशन। आर्म्स रोटेशन हमें कम से कम 20 बार रिपीट करना है, आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ, यानी हमें 40 टाइम्स करना है और इसके करने हैं हमें दो सेट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपने हाथों को इस तरीके से पीछे से आगे की ओर लेकर जाना है और बार बार इसको रिपीट करना है। लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी स्लो मोशन में नहीं करना, बल्कि बहुत ही फास्ट रोटेट करना है। ऐसा करने से आपके पूरे ब्रेस्ट टिश्यूज इससे मूवमेंट होगी और वहां का जितना भी बल्कीनेस है, फैट है, वो खत्म हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट टोन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जो है एकदम कैची की तरह अपनी बाजुओं को चलाना। आप देख सकते हैं मैं कितनी फास्ट मूवमेंट में इसको ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इसको फॉलो कर रही हूँ। सेम आपने इतने ही प्रेशर से अपने पूरे आर्म्स को एक दूसरे की तरफ यानी क्रॉस में लेकर जाना है। जब आप क्रॉस में लेकर जाते हैं तो इससे आपका ब्रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से लिफ्ट होता है, जो सैग हो गई है उसमें लिफ्टनेस आएगी और साथ में वहां का जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट का शेप बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपने अपने हाथों से अपने दोनों बाजुओं को लॉक करना है, अपने हाथों को पूरी फोर्स के साथ पीछे लेकर जाना है और फिर आगे लेकर आना है। जितनी फोर्स से आप अपने हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, उतना ही आपका ब्रेस्ट आगे से ऊपर की तरफ खिंचता है, जिससे कि अगर आपका ब्रेस्ट सैग हो गया है तो वो लिफ्ट होगा और वहां का जितना भी एक्स्ट्रा बल्कीनेस है, फैट है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपके ब्रेस्ट को एक बहुत ही फुलर और अच्छा लुक मिलेगा। ऐसा कम से कम आपने 20 बार रिपीट करना है और इसके करने हैं आपको दो सेट। इसके लिए आपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से होल्ड कर लेना है, अपनी बाजुओं को पीछे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपका ब्रेस्ट पूरा अच्छे से स्ट्रेच होगा बैक की तरफ, और जब स्ट्रेच होगा तो वहां का जितना भी एक्स्ट्रा बल्कीनेस है, फैट है, वो रिड्यूस होगा और आपकी जो सैग हो गई है ब्रेस्ट, उसको एक अच्छी शेप मिलेगी। इसको भी आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है और आपको उसके करने हैं दो सेट। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको एक वॉल का सपोर्ट लेना है, वॉल के सपोर्ट पे हमने करना है पुशअप्स। आपको अपने दोनों हथेलियां रख लेनी है, आपको अपने पंजों पर आ जाना है और इस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ पुश करना है। एक बात का ध्यान रखेगा कि हम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ रखना है और सिर्फ अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाते हुए देन फिर पीछे आना है। पूरा फोर्स हमें अपने ब्रेस्ट पर लेते हुए दीवार की तरफ अपने आप को पुश करना है। जब आप पुश करेंगे इस तरीके से 20 बार और इसके करेंगे आप दो सेट, तो इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से फैट रिड्यूस होगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपने नमस्ते पोजीशन लेना है, अपने हाथों को जॉइन करते हुए ऊपर लेट के जाते हुए आपने क्लैप करना है, ठीक है। अपनी कोहनियों को आपने एक बार ऊपर टैप करना है और एक बार नीचे टैप करना है। ऐसा आपको कम से कम 20 बार करना है और इसके करने हैं आपको दो सेट। जब आप अपने कोहनियों को यानी अपनी एल्बोज को टैप करते हैं तो इससे आपका ब्रेस्ट, जो दोनों ब्रेस्ट हैं, वो आपस में जॉइंट होते हैं, उसका एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है और आपकी जो ब्रेस्ट सैग हो गई है वो अपलिफ्ट होती है। तो आपने दो बार इसको टैप करना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। बारी आती है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करते हुए, अपनी बॉडी को आगे लाते हुए, आपने अपने वन हैंड से पूरी फोर्स से अपनी बाजू को पीछे की तरफ पुश करना है, अपनी एक ब्रेस्ट को
बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। जब पीछे की तरफ पुश करती हूँ तो इससे आपका पूरा फोर्स आपकी ब्रेस्ट पर आता है, जिससे कि वहाँ का फैट आपका टूटेगा, आपका ब्रेस्ट बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा। तो ऐसा आपको कम से कम 20 बार करना है सिंगल हैंड पे, यानी राइट साइड आपको 20 बार करना है, लेफ्ट साइड आपको 20 बार करना है, और इसके करने हैं आपको 2 सेट। तो गाइज, आपको कैसी लगी मेरी बेहतरीन सी आसान सी एक्सरसाइजेस? अगर आप इसे लगातार 1 मंथ तक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा, और इन केस अगर आपकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सैग हो चुकी है तो वो भी अपलिफ्ट हो जाएगी। आपको ह्यूज डिफरेंस तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ में हर चीज का एक रूटीन रखेंगे। रूटीन एक्सरसाइज का मस्ट है। अगर आप रूटीन से कोई भी चीज फॉलो करते हैं, चाहे फुल बॉडी वर्कआउट हो चाहे बेली वर्कआउट हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @ishamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहां जाके भी आप बहुत सारा प्यार मुझे दे सकते हैं। आपके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे इस वीडियो को फॉलो करने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।